नमस्कार दोस्तों दोस्तों PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी PCS मेंस 2018 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 162 प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न संख्या है आपकी 163 और 164। ठीक है, डेली हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं, और आज का जो प्रश्न है दोस्तों GS थर्ड पेपर का है और प्रश्न संख्या 163 है और 200 शब्दों में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात कि जो हम लोग जैसे GS के फोर्थ पेपर के वीडियोस अभी आ रहे हैं, तो इसके बाद जो नोट्स प्रोवाइड होंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर के, तो उनके भी वीडियो पहले मैंने सोचा था कि नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन अब किसी भी तरीके से मैं एग्ज़ाम से पहले पहले थोड़ा सा लंबे वीडियो बनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उन वीडियोस को हम लोग बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और उनको हम लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो GS के चारों पेपर के वीडियोस भी अब आप लोगों को मिलेंगे और यूट्यूब पर मिलेंगे, और जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो प्रश्न है GS थर्ड पेपर का है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, और जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, तो इनमें अगर आप लोग एक एक कोटेशन या जो महान विचारक के लाइन हैं, जो थॉट्स हैं, उनको डाल सकते हैं, और क्या है कि जैसे जो कविता है, श्लोक है, तो इनको भी आप लोग अपने उत्तरों में प्रयोग कर सकते हैं, तो अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे कोई कीवर्ड है तो उसको आप लोग हाईलाइट जरूर कर दिया करिए, और जो उत्तर लिखना है वो आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, तो ध्यान रखिएगा पैराग्राफ में आप लोगों को इस प्रश्न को उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत में परिवहन क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएँ हैं और जो समस्याएं हैं उनके सुधार हेतु उपाय भी सुझाइए। तो 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है आपको। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो परिवहन प्रणाली है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो सबसे पहली समस्या जो है, परिवहन के साधन अपर्याप्त हैं। ठीक है, जैसे देखिए किसी को भी अगर यहाँ से, जैसे मान लीजिए कानपुर से दिल्ली ले जाना है, कानपुर से दक्षिण भारत, किसी सामान जो उत्पाद उसने बनाया है या कोई सामान उसने बनाया है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्टेट में ले जाना है। ठीक है, या कोई व्यक्ति है जाना चाहता है परिवहन, मतलब कोई भी चीज़ को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर जो सबसे पहली समस्या खड़ी होती है वो जो परिवहन के साधन हैं वो अपर्याप्त हैं। ठीक है, अब आप लोग देखते भी होंगे कि जैसे जो लॉजिस्टिक सेवाएं हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विसेज जितनी भी हैं, तो हमारे यहाँ पर्याप्त रूप से नहीं है। ठीक है, और पर्याप्त रूप के ना होने के साथ में परिवहन साधन जो हैं बहुत ही असुविधाजनक हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि एक बड़ा सा कंटेनर आपको अगर यहाँ से, जैसे अपने यहाँ से, ठीक है, अगर आप दिल्ली से कन्याकुमारी ले जाना चाहते हैं या दक्षिण भारतीय राज्यों में ले जाना चाहते हैं, तो जो ये ऊपर से एक यहाँ नीचे तक जाना है, जो भारतीय क्षेत्र है, तो यहाँ ऊपर से नीचे आपको जाना है, और यहाँ पर एक ही साधन बचता है। अब आप देखिए एक कंटेनर को अगर ले जाना है तो या तो जलमार्ग, लेकिन हमारे यहाँ जलमार्ग की सुविधाएँ उतनी अच्छी नहीं हैं, और अभी पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हो पाया है कि नदियों के द्वारा अगर हम संचलन कर सकें इन चीज़ों का, तो ये भी नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे यहाँ लैंड है, लैंड में क्या हमारे यहाँ बसते हैं साधन, तो दो चीज़ें बसती हैं, एक सड़क द्वारा और एक रेल मार्ग द्वारा। ठीक है, अब अगर वायुयान द्वारा अगर लिया जाता है, जो वायुयान है, ठीक है, एरोप्लेन में अगर हम रखकर सामान को लाते हैं, तो वो सामान बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हमें। ठीक है, उसकी जो लागत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारे पास साधन सीमित हैं, अपर्याप्त हैं। ठीक है, बहुत से लोगों का जो माल होता है या जो भी उत्पाद है वो नष्ट भी हो जाता है गोदामों में रखे रखे, कि उनका टाइम भी नहीं आता, और प्रायोरिटी बेसिस पे आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। अब आप
खुद सोच के देखिए कि कोई भी एक कंपनी है वो अपना सामान, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों को मिलती है, रेलवे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और या तो अपने खुद के प्राइवेट साधन से, जैसे मान लिया ट्रक है, ट्रक के द्वारा वो ले जाना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ परिवहन में, परिवहन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक है और अपर्याप्त है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि ये परिवहन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और क्या है कि जैसे आप ट्रक के माध्यम से ले जाते हैं तो एक प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है, कि जैसे बाई रोड अगर सामान को आप सामान ढुलाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो डीजल पेट्रोल उसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एक आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो सामान है, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में उसकी कॉस्ट बहुत आएगी, एक पर्यावरणीय जो इफ़ेक्ट है वो पड़ना ही पड़ना है, इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? और प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा निकलता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक लागत जो है लगभग जीडीपी का 13 से 14% है, जबकि अमेरिका में जैसे ये प्रतिशत है जो 9% है, और जर्मनी में देखते हैं तो यह 6% माना जाता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो परिवहन की लागत है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और क्या है कि जैसे मान लीजिए साधन कौन कौन से हैं, एक हमारा बाई रोड है, सड़क है, दूसरा रेल मार्ग है, तीसरा आपका वायुयान, तो इन तीनों में समन्वय का भी अभाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में जो परिवहन प्रणाली है उसकी, ठीक है? जो सामान है या जो भी उत्पाद हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जैसे मान लिया बाय रोड आप कहीं ले गए या बाय ट्रेन ले गए, तो ट्रेन के बाद भी अब वो घर तक तो ट्रेन पहुंचेगी नहीं आपके, तो कहीं ना कहीं आप स्टेशन पर आपके माल रखा होगा, अब वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, ये भी बहुत बड़ी समस्याएँ होती हैं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें भी समन्वय की बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे परिवहन प्रणाली की, ठीक है? जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग उपायों को देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो परिवहन प्रणाली है तो उसको किस प्रकार हम अच्छा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है? तो उपायों को देखते हैं। तो देखिए, एक एकीकृत प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, एक प्राधिकरण होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, जो भी जैसे माल है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का हो। हमारे यहाँ जैसे जलमार्ग का विकास नहीं हो पाया है उतना अच्छे तरीके से, जहाँ पर हमें बड़े बड़े जो जहाज़ हैं उस तरीके से ले जा सके, ना ही हमारे यहाँ ऐसी कोई भौगोलिक संरचना है। अगर हम ले भी जा सकते हैं तो नदियों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये समस्याएं भी बहुत, अभी उनका विकास भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे सड़क है, रेल है और वायु है, तो ये तीनों मार्गों को एकीकृत किया जाना चाहिए और इन तीनों का समान रूप से एकीकृत विकास किया जाना चाहिए, ठीक है? और क्या है कि जैसे जो जो माध्यम हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे जल है और सड़क है, वायु है, इनकी आपस में संबद्धता होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए, कि अगर कोई भी माल यहाँ से वहाँ जाता है या कहीं भी दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरी सेवाओं के तहत जाता है तो उसमें समन्वय होना चाहिए और एक दूसरे से संबद्ध होना चाहिए, ठीक है? और क्या है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आती है तो उसको कम से कम रखा जाए, ठीक है? जिससे जो उत्पाद है वो मार्केट में समय पर पहुँच सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने आते जाते देखा भी होगा कि जैसे ट्रेन में लदा हुआ कुछ धान या गेहूँ जाता है तो बीच रास्ते में ही उसके साथ मतलब चोरी कर लिया जाता है या चोरी करवा दिया जाता है भ्रष्टाचार की वजह से। कोयला है, कोयले के साथ में भी यही होता है कि कोयला अगर ले जाया जा रहा है तो बीच रास्ते में एक दो ट्रेन के डिब्बे पूरे के पूरे खाली ही आपको दिखाई देते हैं, और जब डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो वो यहाँ पर ये बताया जाता है कि वो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं वहाँ उसका जो डिब्बा था वो खुल गया,
ठीक है, नीचे एक बॉक्स टाइप में डिब्बे खिड़कियां लगी होती है तो वो खुल जाती हैं, तो फिर उसी से लोग चोरी करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिब्बा ही खाली कर देते हैं एक ट्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक समस्याएं हैं, जो समय है, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में अगर इस तरीके से घटनाएं होने लगेंगी, सामान चोरी होने लगेगा, तो लोग भी असुरक्षित महसूस करेंगे, और एक तो ऊपर से लागत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि जो लागत है उसको कम किया जाना चाहिए, और समय को, जैसे समय पर टाइम पर पहुँचाना, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे कोई सुपरफास्ट गाड़ी जा रही है तो फिर माल गाड़ियों को सीधे पीछे कर दिया जाता है, उनको लूप लाइन में लगा दिया जाता है, उन और जो जो गाड़ियाँ होती हैं, जो सामान होता है उनमें, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत लेट पहुँचता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत एक दिन पहले थी और पहुंचता 2 दिन बाद है, तो ये हमारे यहाँ समस्याएं हैं। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जो पर्यावरण सिस्टम है, जो सॉरी जो परिवहन प्रणाली है, तो उसमें कुछ पर्यावरणीय ध्यान भी नहीं दिया जाता, कि जैसे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे जितने भी हैं इलेक्ट्रिक ट्रकों का के द्वारा ढुलाई की जानी चाहिए, और इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। या तो एक और ऑप्शन हो सकता है नवीकरणीय ऊर्जा के, जैसे जो सोलर वो हैं उन्हीं के माध्यम से, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से आप ट्रकों, जैसे ई रिक्शा है और जितने भी साधन हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ई रिक्शा इस समय चल रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर्यावरणीय क्या है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको कम करता है। ठीक है, तो ऐसे साधनों को अपनाना जाना चाहिए। ठीक है, कड़ाई के साथ में इन चीज़ों को अपनाया जाना चाहिए। और क्या है कि शहरों की बसावट भी ऐसी नहीं है, अनुरूप नहीं है, तो उसको भी अच्छा करने की ज़रूरत है, कि जैसे जो शहरों की बनावट है उसको भी अच्छा किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जिससे समय पर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जैसे स्ट्रक्चर भी ऐसे बने हैं कि अभी जो सड़क मार्ग है उसका विकास अच्छे से नहीं किया गया है। ठीक है, और जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पीपीपी मॉडल पर आधारित विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, तो इस मॉडल पर अगर आप कोई बंदरगाह का विकास करते हैं और रोड का विकास करते हैं, या रेलवे ट्रैक का अलग से एक विकास कर रहे हैं जिसमें केवल रेलगाड़ियां ही चलें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कम समय में, कम लागत में और समय पर चीज़ें पहुंच जाएंगी, जिस कंपनी का भी जो भी उत्पाद होगा वो उसको समय पर मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है कि ट्रांसपोर्ट जो आपका परिवहन प्रणाली है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो इस पर शोध किए जाने चाहिए, रिसर्च किए जाने चाहिए, अनुसंधान किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और विकास इस तरीके से होना चाहिए कि वो भविष्य के अनुरूप हो, ऐसा ना हो कि हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दें कि बाद में कुछ देखने के लिए बचे ही नहीं। ठीक है, तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमें अपने विकास को एक धारणीय विकास के रूप में परिवर्तित करना होगा, और सभी चीज़ों को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और जो परिवहन प्रणाली है उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ अगर इस प्रश्न में आपने भी अपनी तरफ से कहीं से पढ़ा हो तो आप लोग इस प्रश्न में आप लोग डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए, लिखने के बाद यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर क्या करना है, आपको लिखने के बाद अपने उत्तर सेंड करने हैं, और पीसीएस अकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है। ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी उत्तर मेरे पास आते हैं सभी के सभी उत्तर मैं वहाँ पर दे देता हूँ, जिससे आप दूसरों के उत्तरों को भी देखते हैं, और दूसरों के उत्तर देखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप आपका जीएस का चल रहा है और आपका डिफेंस ऑप्शनल का चल रहा है, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस समय आप लोग अपने आप में अब कोई भी ढिलाई मत दीजिए अपने आप को, अब आंसर राइटिंग डेली 10 से 12 प्रश्न आप लिखिए,
किसी भी तरीके से, मेरे ही चैनल से नहीं, जिस जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है लिखिए। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो लोग मेंस नहीं देने पा रहे हैं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एटलीस्ट 2 प्रश्न या 4 प्रश्न या 10 प्रश्न जितना भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, अभी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, जो 2019 का जो पीटी होगा उसके बाद मेंस होगा ना, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप पहले से चीज़ों को करके चलेंगे तो उस समय आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीएस 4 पेपर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 164 है। ठीक है, और 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे हैं उनकी विवेचना करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पर्यावरण नीति शास्त्र को भी देख लेते हैं कि क्या होता है पर्यावरण नीति शास्त्र। देखिए, जो एनवायरमेंटल एथिक्स जो होती है, ठीक है, तो जो ये पर्यावरण नीति शास्त्र है, पर्यावरण का एक नैतिक तरीके से उपयोग करना, जो आपके पास संसाधन हैं, जो आपके पास प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं, उनका धारणीय उपयोग, नैतिक पूर्ण उपयोग ही पर्यावरण नीति शास्त्र कहलाता है। आप नैतिक तरीके से जो अच्छा है, कि जैसे अगर हमें जल, जो हमारा पानी है या जल है, उसको उपयोगिता आप अपने आवश्यकता अनुसार करें। ऐसा ना करें कि आप बस उपयोग पानी नल खोलकर छोड़ दिए आपने, और जल संसाधन जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, इसकी उपयोगिता को आप ध्यान में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है, तो किसी भी प्रकार का चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पर जो भी प्राकृतिक रूप से आपको मिली है, उनका धारणीय रूप से प्रयोग, एक नैतिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा पर्यावरण नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, पर्यावरण का एक नैतिक पूर्ण तरीके से उपयोग करना, जो भी संसाधन है प्रकृति से उनका उपयोग, धारणीय उपयोग करना। ठीक है, अब देखिए इसके मुद्दे कौन कौन से हैं, इसमें शामिल जो पर्यावरण नीति शास्त्र है, इसमें कौन कौन सी डायमेंशंस को कवर किया गया, जो इसके अंदर आती हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद का क्या अर्थ है, देखिए जो पर्यावरण है, पर्यावरण का उपयोग कौन करता है। देखिए, एक तो मनुष्य करते हैं और एक गैर मनुष्य लोग करते हैं। गैर मनुष्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ भी जीवित और अजीवित चीज़ें, ठीक है, मानव और गैर मानव। पर्यावरण का अर्थ यही है, जो हमारा एनवायरमेंट है उसका उपयोग अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, वो उपयोगकर्ता कोई भी हो सकता है। ठीक है, उपयोगकर्ता कोई भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। आप उसका एक नैतिक तरीके से उपयोग करना एक पर्यावरणवाद है। पर्यावरण की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना एक अस्तित्व रखती हैं। ठीक है, वो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या जीव जंतु हो या जो इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं इंसान या प्राणी, ठीक है, वो भी पर्यावरण का ही भाग होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण को बनाए रखना, पर्यावरण को बनाने में सहयोग देना और उन चीज़ों का दोहन ना करना, ठीक है, पर्यावरणवाद है। जैववाद पर देख लेते हैं, जैववाद क्या है। जैववाद में देखिए, जैववाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जैववाद का, तो इसमें सभी जीवों में एक मूल की एक विचारधारा को माना गया है। ठीक है, इसको मान्यता मिली है कि सभी जो जीव हैं, जैववाद में यही है कि जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, तो इनके भी अपने मूल्य होते हैं। ठीक है, इनके मूल्यों को आंतरिक मूल्य कहा गया है, कि सभी जीव, किसी भी प्रकार का कोई पशु पक्षी और जानवर, ये सभी प्रकार के जीव जितने भी हैं, मछली या गेंडा कुछ भी आप कह सकते हैं, इन सभी के अपने अपने मूल्य होते हैं और उन्हीं मूल्यों के अनुसार ये अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, कि जैसे आप एक बिच्छू होता है, बिच्छू को आप जानते हैं कि वो काटना जानता है, ठीक है, तो वो उसका है वो निगेटिव मूल्य, लेकिन फिर भी वो काटता है। ठीक है, अगला क्या है कि
जो पर्यावरण नीति शास्त्र के मुद्दे हैं उनमें अगला मुद्दा जो शामिल होता है वो नृजातिवाद का है। नृजातिवाद का क्या अर्थ होता है? नृजातिवाद का यही अर्थ है कि जो मानव जाति है वो पृथ्वी के केंद्र में है। जैसे पृथ्वी है हमारी, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, अब इसके केंद्र में मनुष्य आता है। मनुष्य से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। हर एक चीज़ का जुड़ाव जो होता है वो मनुष्य से ही होता है। ठीक है, नरजातिवाद क्या कहता है? मनुष्यों के बारे में बातें करता है। ठीक है, और नरजातिवाद को अगर कुछ समय पहले अगर हम लोग देखते हैं पर्यावरण के संबंध में, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अमेरिका में अश्वेत लोग जो थे तो उनको नरजातीयता के आधार पर देखा जाता था। ठीक है, और वहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, जो लोग थे वहाँ उस जगह में यूएसए में, वो अपने केंद्र में माने जाते थे। लेकिन विस्थापन हुआ, विस्थापन किया गया किसके द्वारा, कि वहाँ पर दूसरे लोग गए, ब्रिटेन के लोग गए, वो शोषण वोषण करने लगे। अब वो सारी चीज़ें मिलकर क्या था, वो एक केंद्र से चीज़ें हटी। ठीक है, अब नजातिवाद क्या कहता है? नजातिवाद यही कहता है मानव जाति है उसको वह केंद्र मुख्य बिंदु मानता है, मुख्य वस्तु मानता है। ठीक है, अब क्या है अगला मुद्दा कौन सा है पर्यावरण नीति शास्त्र के अंतर्गत, कि संरक्षण नीति शास्त्र, संरक्षणवादी नीति शास्त्र क्या कहता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग बिल्कुल एक नैतिक तरीके से होना चाहिए, उनका आवंटन भी एक नैतिक तरीके से होना चाहिए और संरक्षण भी जो है, ठीक है, जो भी संसाधन है उनका संरक्षण भी एक नीति शास्त्र के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ये संरक्षण नीति शास्त्र कहलाता है। अब देखिए जलवायु नीति शास्त्र क्या है? जलवायु नीति शास्त्र का क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, तो जलवायु है जैसे, तो जलवायु परिवर्तन में किसने योगदान दिया है? अगर हम नैतिक पूर्ण रूप से, अगर हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे वो अगर हम लोगों ने यूज़ किए होते तो आज जो मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का, तो ये आज की डेट में बहुत भयावह हो चुका है। लेकिन ये ऐसा ना होता, अगर हम नीति शास्त्र से या नैतिक रूप से हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से यूज़ करते। हम लोगों ने अच्छे से यूज़ नहीं किया, उसका दोहन किया और ऊपर से पर्यावरण को नष्ट करने वाले कार्य करने लगे, जिससे क्या हुआ, जो पर्यावरण, जो जलवायु नीति शास्त्र है वो प्रभावित हुआ। और जलवायु नीति शास्त्र के अनुसार अगर नहीं काम करते तो यही जलवायु परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक भूमिका अदा करेगा लोगों के लिए, संसाधनों के लिए, हर एक तरीके से। ठीक है, और क्या देखते हैं कि जैसे एक पर्यावरण नस्लवाद है, तो पर्यावरण नस्लवाद का क्या अर्थ है? ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर भी बात अमेरिका की ही जाती है, और अश्वेतों के खिलाफ में काफ़ी भेदभाव भी किए गए यूएसए में। ठीक है, तो पर्यावरण के अनुसार जैसे पर्यावरण नस्लवाद था जो, ठीक है, वहाँ यूएसए में लोग क्या थे, लोग वही आपके अश्वेत थे, और वो लोग श्वेत और अश्वेतों में भेदभाव करने लगे। और जबकि ये लोग अपने प्राकृतिक वातावरण और सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। ठीक है, ये पर्यावरण से जुड़ाव था इनका, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे एक जनजाति है तो जनजाति का एक पर्यावरण से जुड़ाव होता है ना, ना कि एक शहरी का उतना होगा या उतनी फिक्र करता होगा। ठीक है, तो ये यहाँ मुद्दे इस तरीके से हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा है। एक पशु नीति शास्त्र की बात की गई है कि एक नया पॉइंट है इसी में शामिल मुद्दों में, कि एक पशु नीति शास्त्र की बात की जाती है, तो इसमें बताया जाता है कि जितने भी पशु होते हैं उनके भी आंतरिक मूल्य होते हैं। ठीक है, जितने भी पशु होते हैं उनके भी आंतरिक मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के अनुसार वो अपने कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, और क्या है कि अगला पॉइंट क्या है कि जो आपका पर्यावरण न्याय,
ठीक है, पर्यावरण न्याय का क्या अर्थ है? पर्यावरण न्याय का यही अर्थ है कि जो आपकी जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे हमें पर्यावरण को नैतिक पूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना है, लेकिन हम करते क्या हैं कि उनको एक जिम्मेदारी के साथ में हम उपयोग नहीं करते। और उससे होता क्या है कि होता यही है कि जो निष्पक्ष वितरण होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है, जिसको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। जैसे यूएसए ने कार्बन उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा किया, चाइना इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पर, और इंडिया को अभी बहुत सारी चीज़ें अपना विकास करना है, तो यहाँ पर देखिए जिसको चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो उसने नहीं की, और जिसने किया उसने जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये पर्यावरणीय न्याय के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या है, निष्पक्ष वितरण होना चाहिए और पर्यावरण की स्थिरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को अच्छा बना सकते हैं और स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और क्या है अगला पॉइंट, एक कि परिचारकता है। परिचारकता का क्या अर्थ है कि पर्यावरण जो है हमारा, देखिए धरती के ही ऊपर है, और जो बात कही गई है कि जो ये धरती है, धरती ईश्वर की है और मानव संरक्षक है, स्वामी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं ये पृथ्वी, इन्वायरमेंट, ये सब मेरा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप उसके स्वामी नहीं हैं, आप उसके संरक्षक हैं, आपको उसको उसका संरक्षण करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि आप उसका अति दोहन करने लगे, वनों का विनाश करने लगे, जैव विविधता पर हमले करने लगे, और जो प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं उनका गलत तरीके से उपयोग करने लगे, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या और जैव विविधता को खतरा और हर तरीके से जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुँचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें इस तरीके से चीज़ों को प्रयोग में लाना चाहिए कि जैसे ये है, हम एक संरक्षक हैं, मतलब हम सुरक्षा करने वाले हैं, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। किसकी ये धरती? ये भगवान यानी ईश्वर की है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पर्यावरण नीति शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे हैं उन चीज़ों को हम लोगों ने समझा, और समझने के बाद अब हम लोग आप लोगों क्या करना है कि जैसे ये पॉइंट्स हैं और इसमें अगर आपको ही प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ रेलेवेंट लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद एक अच्छा सा उत्तर लिखिए, लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को लिख कर भेजना है, ठीक है। और आपको पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मैं आप लोगों को सारे के सारे उत्तर दे देता हूँ जो भी मेरे पास आप लोग भेजते हैं, ठीक है। और दोस्तों आंसर राइटिंग करते रहिए, जीएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9140085178, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।